दस माह मुहर्रम आशूरे का दिन है, बारगाह हुजूर सुल्तानुल हिंद अता रसूल मौला गरीब नवाज की बारगाह के अंदर ये अमल मामून का वक्त है। कड़के का अंदर खिदमत शरीफ हो रही है। खिदमत शरीफ के बाद जो है बारगाह हुजूर मौला गरीब नवाज आस्थान आदिया मामूल कर दिया जाएगा। एक क्लोजिंग टाइम है रात का वक्त, और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जिस दिन से माह मुहर्रम का चांद होता है अजमेर शरीफ में, उसी दिन से हुजूर सरकार गरीब नवाज के वक्त से ही यहाँ पर महफिल समा का जो प्रोग्राम है, जो महफिल समा की रसूमात है, जैसा कि आपको मालूम है सूफ़ी दरबार है, सूफ़ी ज़म के अंदर महफिल समा लाजिम होती है। लेकिन ये गरीब नवाज की बारगाह आले नबी औलाद अली की बारगाह है, हसनी अल हुसैनी सैयद व सादात की बारगाह है। तो हुजूर सरकार गरीब नवाज के जद्द अमजद का गम का अयाम है ये। तो 29 तारीख से ही यहाँ पर चांद रात से ही फर्श अज़ा बिज जाती है गम इमाम अली मकाम की, इमाम अली मकाम के ज़िक्र की। तो यहाँ पर कवाली नहीं होती 10 दिन तक। तो आप आज भी कवाली नहीं, बस सिर्फ़ कड़का पड़ा जाएगा जब आस्थान आलिया मामूल होगा। आप लोग हाज़िरी करें, गरीब नवाज सब की हाज़िरी कबूल व मकबूल अता फ़रमाएँ अपनी बारगाह में। मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सदका अता फ़रमाएँ सबको, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपनी पनाह में रखें, सब पर निगाह करम निगाह ख़ास बनाए रखें। हुज़ूर रहम करम मौला फ़जल फ़रमाइए। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद लानतुल्लाह, हक्का के बिना इला इलाह अस्त हुसैन, हक्का के बिना इला इलाह अस्त हुसैन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, सदका मौला हुसैन का अता फरमाई गरीब नवाज। तेरे दर के हम भी फ़कीर हैं, दे हमें भी सदका हुसैन का, इलाही आमीन। सदका मिले हसनैन का ख्वाजा का हाथ हो, या रब मेरे नसीब में ऐसी खैरात हो, या रब मेरे नसीब में ऐसी खैरात हो। आमीन आमीन लही आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान अल्लाह लज़ीम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लज़ीम। मौला निगाह करम निगाह ख़ास बनाए रखिए आका। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, मौला गरीब नवाज निगाह करम फरमाई। आस्थाना आलिया बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज मामूल हो चुका है, ये मेन गेट भी बारगाह का जैसे ही मामूल होगा, और जो आस्थाना आलिया की चाबी है वो लेकर इमाम की बारगाह में जाई जाएगी, और वो चाबी वहाँ पर जाएगी और वहाँ पर सलातो सलाम शुरू हो जाएगा इमाम की बारगाह में। आस्थाना आलिया मामूल होने के बाद इमाम की सवारी इसीलिए की जाती है कि गरीब नवाज खुद वहाँ पर हाजिर होते हैं, अपने जद की सवारी में अपने जद की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, ये नियाज़े इमाम हुसैन है, लंगर मौला हुसैन इबन अली अलैहिस्सलाम है। मौला हुसैन इबन अली अलैहिस्सलाम लंगर नज़्र व नियाज़ को कबूल व मकबूल अता फरमाए अपनी बारगाह में। हुसैनी लंगर है ये, मौला इमाम अली मकाम का लंगर है जो हर साल माह मुहर्रम में किया जाता है। हुजूर सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह के अंदर गरीब नवाज़ के जद्द अमजद का लंगर, मौला इस लंगर को कबूल फरमाए। मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम करम शामिल हाल फरमाए। जितने भी चाहने वाले, जितने आशिकों ने इस लंगर नियाज में अपनी अपनी जानिब से कंट्रीब्यूशन शिरकत की, मौला सब के नजरों नियाज के हदीये तोहफों को कबूल बारगाह अता फरमाए। सब पर निगाह करम निगाह ख़ास बनाए रखें हुजूर। इलाही आमीन, इलाही आमीन। सदका मिले हसनैन का ख्वाजा का हाथ हो, या रब मेरे नसीब में ऐसी खैरात हो, या रब मेरे नसीब में ऐसी हैरात हो। है दिल बगीर दामने सुल्तान सैयदा, यानी हुसैन इब्ने अली जान सैयदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह से ये बॉक्स के अंदर भर कर के तकसीम कर दी जाएगी सभी आशिकाने मौला पंडितन पाक व आशिकाने हुजूर सरकार गरीब नवाज़ में। जितने सैयदजादगान हैं उनमें भी इसको तकसीम कर दिया जाएगा, क्योंकि नियाज़े मौला हुसैन है, नजरे हुसैन है। सभी लोग इसको नोश फरमाते हैं, क्योंकि लंगर हुसैन है, मौला हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की नज़र है, नियाज है। मौला के सदक़े में ही, मौला के फैज़ से ही सब फैज़याब होते हैं। मौला के सदक़े ही हर बला वफात से, हर बीमारियों से महफूज रहते हैं ये लंगर हुसैन खाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नजरे मौला नियाज़े हुसैन, नजरे मौला नियाज़े हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो जन्नत की गिज़ा खुद भी तबर्रुक है, मगर नजर मौला कह के खाने की अलग ही बात है, नजर मौला कह के खाने की अलग ही बात है। पंजतन के आस्ताने की अलग बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग बात है। सुभान अल्लाह, बेशक मौला हुसैन का सदका है, उतारा है। चाय मिला दो, चलो।